फलों को जल्दी पकाने के लिए आजकल जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये केमिकल इस कदर खतरनाक है कि अगर गर्भवती महिला इस केमिकल से प्रभावित फल खा ले तो गर्भपात हो सकता है। गर्मियां बढ़ने के साथ ही बाजारों में फलों की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। बीमारियों से बचने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि जिन फलों को वो खरीद रहे हैं वो उन्हें बीमारियों से दूर करने की जगह उनके करीब लेकर जा रहे हैं। मिलावटखोर फलों को जहरीले केमिकल की मदद से पकाकर बाजार में पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर्स भी आजकल फलों में हो रही मिलावट को लेकर खासे चिंतित हैं। उनका कहना है कि केमिकल के इस्तेमाल से पकाए गए फल किसी के लिए भी बेहद नुकसानदायक होते हैं। देखो जी, जिहड़े केमिकल्स हैगे आ उहदे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स हैगे आ। जिवें सब तों पहिलां तां जिहड़े केमिकल्स हैगे आ इहनां नाल गर्भपात होण दा वी डर हुंदा कि मदरस नूं वी प्रैगनेंसी ड्यूरिंग प्रैगनेंसी कॉम्प्लीकेशन आ सकदी है। अंब वगैरह नूं पकाउण लई कहिंदे पकाउण लई कैल्शियम कार्बाइड नाम दा कैल्शियम केमिकल यूज कीता जा रहा हैगा। ये करके की होंगे है जो भी ये चमड़ी के नाल कॉन्टैक्ट के आता है बच्चा इन खाता है तो जरा मूँह के आले दुआले तो मूँह के बच्चे के बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं कि रोटी खाने पीने छड़ देता है। हूँ क्योंकि बच्चे बड़े छोटे होंगे ने बड़े नाजुक होंगे ने रोटी प्रॉपर बच्चा नहीं खाऊगा तो वह की होगा बच्चे का कुपोषण वाल जाना शुरू हो जाता है। वहीं रूपनगर के सिविल सर्जन का कहना है कि वो जल्द ही बाजारों में फलों और सब्जियों की जाँच करने वाले हैं, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਸਾਡੇ ਡੀ ਐੱਚ ਓ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਮੇ ਫਲੋਂ ਕੀ ਖਪਤ ਖਾਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जिसके चलते कुछ लोग चंद रुपयों के लालच में फलों को केमिकल के इस्तेमाल से वक्त से पहले पकाकर बाजारों में उतार देते हैं और इन लोगों का ये लालच का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। विमल कुमार, जी मीडिया, रोपड़।